नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास सफर में। आज हम साथ मिलकर चलते हैं उस रोमांचक दौर में जो था राजपूतों का जमाना। यह वह समय था जब भारत की धरती पर वीरता और साहस की अद्भुत कहानियां लिखी जा रही थीं। जब हर्षवर्धन चले गए, उनके बाद कोई ऐसा बादशाह नहीं आया जिसने पूरे हिंदुस्तान पर राज किया। हर्षवर्धन के बाद का समय एक नए युग की शुरुआत थी। इस वक्त में भारत कई छोटे बड़े राज्यों में बंट गया था और ये राज्य आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते। इस विभाजन ने एक नए प्रकार की राजनीति और युद्ध की संस्कृति को जन्म दिया। इन राजाओं को राजपूत कहा जाता था और 7वीं से 12वीं सदी तक का ये दौर राजपूत युग कहलाता है। यह युग वीरता, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक था। राजपूत युग का नाम सुनते ही सबसे पहले ख्याल आता है महाराणा प्रताप का। उनकी वीरता और संघर्ष की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। मेवाड़ के वो शूरवीर योद्धा जिन्होंने अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए गजब की हिम्मत और जद्दोजहद दिखाई, उनकी कहानी हर भारतीय के दिल में बसी हुई है। हल्दी घाटी की लड़ाई आज भी उनकी बहादुरी का सबूत है। यह लड़ाई केवल एक युद्ध नहीं बल्कि एक प्रतीक है उनके अदम्य साहस का। एक और महान योद्धा थे राणा सांगा। उनकी वीरता और नेतृत्व ने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई जंगें लड़ी और अपनी वीरता का परचम पूरे हिंदुस्तान में लहराया। उनकी कहानियां आज भी हमें गर्व से भर देती हैं। इतिहास में उन्हें उस योद्धा के तौर पर जाना जाता है जिसने बाबर से टक्कर ली थी। उनकी संघर्ष की गाथा हमें सिखाती है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहना चाहिए। राणा हमीर सिंह, जिनकी मजबूती और हिम्मत ने मेवाड़ को नई राह दिखाई, उनके शासनकाल में मेवाड़ ने एक नई ऊंचाइयों को छुआ। अपने शासनकाल में उन्होंने कई बड़े सुधार किए और राजपूतों की शान को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। उनके द्वारा किए गए सुधार आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। और अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की, जो अपनी बहादुरी और प्रेम कहानी के लिए जाने जाते हैं। उनकी कहानी हर भारतीय के दिल में एक खास जगह रखती है। उन्होंने मोहम्मद गौरी से कई लड़ाइयां लड़ी और अपनी मातृभूमि की हिफाजत के लिए जान की बाजी लगा दी। उनकी वीरता और संघर्ष की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। उनकी दास्तां आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में जिंदा है। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे अपने देश और सम्मान के लिए लड़ना चाहिए। राजपूत युग केवल वीरता और लड़ाइयों की कहानी नहीं बल्कि उन उसूलों की भी कहानी है जो हमें बताते हैं कि इज्जत, मुल्क से मोहब्बत और स्वाभिमान सबसे ऊपर है। यह युग हमें सिखाता है कि कैसे अपने मूल्यों और आदर्शों के लिए खड़ा रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हिंदुस्तान का राजपूत युग, जो हमें अपने शानदार इतिहास की याद दिलाता है और हमें भी इस महान जमीन के वीरों जैसा बनने की प्रेरणा देता है। यह युग हमें सिखाता है कि कैसे अपने देश और संस्कृति के लिए गर्व महसूस करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप और किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे।